हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां रेलवे स्टेशन का जिम्मा गांव वालों ने संभाल रखा है। गांव वाले खुद इस रेलवे स्टेशन का पूरा कामकाज संभालते हैं। राजस्थान में बंद हो चुका एक रेलवे स्टेशन सिर्फ ग्रामीणों की इच्छा शक्ति और मेहनत के बूते पर चल रहा है। गांव वाले न सिर्फ रेलवे के दिए गए टारगेट से ज़्यादा के टिकट खरीदते हैं, बल्कि स्टेशन की देख रेख, यात्रियों के लिए पानी और अन्य चीज़ों की व्यवस्था भी करते हैं। और तो और, टिकट काटने का और बेटिकट यात्रियों को रोकने का काम भी इन्हीं का है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे ने जयपुर डिवीजन के स्टेशन रशीदपुरा खोरी को 2005 में घाटे के चलते बंद कर दिया था। आसपास के गाँव पलथाना, रशीदपुरा खोरी एवं प्रतापगढ़ की लगभग 20,000 की आबादी यात्रा के लिए इस पर निर्भर है। पलथाना के निवासी रामू राम कहते हैं, गांव वालों ने रेलवे को चिट्ठियां लिखी, अधिकारियों के चक्कर लगाए, फिर सबने मिलकर आंदोलन किया। साल 2009 में स्टेशन को दोबारा शुरू करने पर रेलवे राजी तो हुआ, लेकिन 3 लाख रुपये के टिकट खरीदे जाने की शर्त पर। मेहल चंद बताते हैं कि हमने चंदा कर पैसे कुछ माह में जुटा लिए और ट्रेनें चलने लगी। रेलवे की शर्त को पूरा करने के लिए एक एक आदमी 10-10 टिकट लेकर सफर करता था। पिछले 6 साल से स्टेशन गांव वालों के भरोसे चल रहा है। समय समय पर स्टेशन की सफाई आसपास के गांव वाले करते हैं। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए पीने के पानी की सप्लाई भी गाँव वाले खुद करते हैं। स्थानीय निवासी महेश सिंह के अनुसार, गाँव के कुछ लोग निगरानी करते हैं कि कोई भी बिना टिकट सफर न करे। शुरुआती कुछ समय तक टिकट काटने का काम ट्रेनों के गार्ड करते रहे, पर बाद में टिकट काटने का जिम्मा खोरी गांव के विजय कुमार ने उठाया। वह पिछले 5 साल से स्टेशन पर टिकट काटने का काम कर रहे हैं। ट्रेनों के आने के समय वह स्टेशन पर टिकट काटने पहुंच जाते हैं। विजय बताते हैं कि मैं पहले से ही लक्ष्मणगढ़ से एडवांस टिकट खरीद कर रख लेता हूँ और बेचते वक्त उस पर तारीख की मोहर मार देता हूँ। जितने पैसे की टिकट बिकती है उसका 15% कमीशन मुझे मिलता है। दोबारा शुरू होने के बाद इस रेलवे स्टेशन पर रोज 250 से ज़्यादा टिकट कटती हैं और अब तक लगभग 25 लाख रुपए की करीब 5.5 लाख टिकटें काटी जा चुकी हैं। तो ये था आज का वीडियो। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।